हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है TDS TCS, नॉलेज फॉर अकाउंटिंग। दोस्तों, आज हम TDS और TCS को समझने वाले हैं। जब भी हम अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें TDS और TCS का नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हम सीखते हैं कि क्या होता है TDS। तो उसके लिए मैं दोस्तों पहले सीट खोल लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हम टीडीएस के बारे में। तो वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज इनकम टैक्स रिड्यूस फ्रॉम द मनी पेड एट द टाइम मेकिंग स्पेशल पेमेंट सच एज लाइक रेंट, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, सैलरीज, इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों टीडीएस क्या होता है? तो ये तो पढ़ लिया हमने नॉर्मल। अब हम अपनी लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं तो क्या होता है दोस्तों टीडीएस? टीडीएस क्या होता है? टीडीएस जैसे दोस्तों आपने खर्चा किया, टीडीएस दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम काटते हैं किसी का, एक हमारा भी कोई काटता होगा। तो दो तरह के टीडीएस होते हैं। हम पहले बात करते हैं जिसको हम काटते हैं, ठीक है, किसी पर्सन का हम काट के सरकार को जमा करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने रेंट पे किया है ना, तो दोस्तों क्या होता है, रेंट क्या है? सर्विस है। और एक चीज और, टीडीएस जब भी कटता है वह सर्विस पे ही कटता है। ठीक है, आपके गुड्स पे कभी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, वो आजकल जीएसटी में अलग आ गया है वो दोस्तों, पर नॉर्मली यहां की बात करें तो हम टीडीएस नहीं काटेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर्विस पे, तो टीडीएस सर्विस पे कटता है। अब जैसे मान लो आपने रेंट पे किया किसी पर्सन को, ठीक है, तो रेंट पे करते हो तो दोस्तों उस पे क्या करते हैं, हम टीडीएस काटते हैं। जैसे मान लो किसी को आपने पूरे साल के अंदर 2,40,000 रुपए से ज्यादा रेंट पे करते हो, तो जब भी आप उसको उसका बिल आएगा, जैसे क्या करेगी पार्टी, एक महीने हमने किसी का दुकान यूज की, ठीक है, तो वो एक महीने बाद हमें क्या करेगा, बिल बना के देगा। जैसे बिल मान लो 50,000 रुपए का है, तो पूरे साल के कितने हो गए दोस्तों, 6 लाख रुपए हो गए, जो कि 2,40,000 से ज्यादा है। तो अब क्या करोगे आप, जब भी उस पार्टी को 50,000 रुपए का पेमेंट करोगे तो उसमें से उसका टीडीएस काट के बाकी पे करोगे। जैसे रेंट पे रेट क्या होती है दोस्तों, 10% होती है। ठीक है, तो 10% होती है, तो हम 50,000 का 10% कितना काटेंगे, 5,000 रुपये काट लेंगे और 45,000 रुपये उसे जमा उसे दे देंगे। तो दोस्तों ये होता है टीडीएस। अब आगे बात करते हैं, वैन शुड टीडीएस बी डिडक्टेड एंड बाई होम, है ना, कि टीडीएस हमें कब काटना चाहिए और किसके द्वारा काटा जाना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं या किसका काटा जाना चाहिए, है ना। तो एनी पर्सन मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट मेंशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच स्पेसिफाइड पेमेंट, जो कि मैंने पहले ही ऊपर बता दिया आपको कि जब भी हम किसी को पेमेंट करेंगे तब हम उसका टीडीएस काटेंगे। बट नो टीडीएस हैज डिडक्टेड इफ पर्सन मेकिंग द पेमेंट इज एन इंडिविजुअल और HUF हुज बुक्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो एक एक चीज और बता देता हूं दोस्तों मैं, टीडीएस किसको काटना है ना। तो टीडीएस किसको काटना होता है दोस्तों, टीडीएस वह पर्सन काटेगा जिसकी पिछले साल ऑडिट हुई है, इंडिविजुअल और HUF इनको छोड़कर जितने भी पर्सन है वो तो टीडीएस काटेंगे ही काटेंगे, पर इंडिविजुअल और HUF होता है ना, जैसे आपने मान लो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना ली, ठीक है, अब आपने उसके लिए दुकान ले ली, तो दुकान ले ली तो अब क्या, यदि आपकी पिछले साल ऑडिट होती है, पिछले साल आपकी ऑडिट होती है या आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, यदि आप गुड्स बेचते हो और यदि सर्विस बेचते हो तो 50 लाख से ज्यादा, प्रोफेशनल सर्विसेज 50 लाख से ज्यादा था आपका पिछले साल टर्नओवर, तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। टैक्स ऑडिट कराते ही आपकी आपकी ऑडिट होगी, ऑडिट होते ही आपको टीडीएस काटना जरूरी है नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, तो यहां पे उनको टीडीएस। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस टू द, हम टीडीएस गवर्नमेंट को कब जमा कराते हैं? जैसे मान लो दोस्तों अप्रैल का किसी का बिल था, ठीक है,
अप्रैल में हमें किसी ने बिल दिया रेंट का, हमने क्या किया उस पे टीडीएस काट लिया है ना, 50,000 का मैंने बताया जैसे 10% काट लिया तो कितना हुआ 5,000 रुपये टीडीएस काट के रख लिया अपने पास जेब में, और 45,000 रुपये पार्टी को दे दिए। अब भैया पार्टी के तो 50,000 रुपये थे, उसे 45 ही दिए ना, 5,000 हमें और देना है उसे, तो 5,000 रुपये कैसे देंगे। तो दोस्तों जो टीडीएस होता है ना वो गवर्नमेंट को जमा कराते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है उस सामने वाली पार्टी को दे देती है, ठीक है। तो दोस्तों अब जो टीडीएस हम जमा कराएंगे, अप्रैल का जमा कराते हैं हम अगले महीने की 7 तारीख को, जैसे अप्रैल का अगला महीना कौन सा, मई, मई की 7 तारीख को हम टीडीएस जमा कराते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, द टैक्स डिडक्टेड टीडीएस मस्ट बी डिपोजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय 7th ऑफ द सबसिक्वेंट मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ जून मस्ट बी पेड होगा गवर्नमेंट बाय 7 जुलाई, यानी जून का कब पे करेंगे, अगले महीने की 7 तारीख को यानी जुलाई को। लेकिन दोस्तों जो मार्च महीने का टीडीएस होता है ना वो 7 अप्रैल को जमा नहीं होता, उसे आप 30 अप्रैल तक भी जमा करा सकते हैं। ये देखिए, टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च कैन बी डिपोजिटेड टिल 30 अप्रैल, ठीक है। हाउ टू डिपोजिटेड टीडीएस, टीडीएस कैसे डिपोजिट कराओगे दोस्तों, उसका भी कोई फॉर्मेट होता होगा, गवर्नमेंट कुछ तो देती होगी हमें जमा कराने के लिए। तो दोस्तों टीडीएस हम डिपोजिट इनकम टैक्स की साइट पे जाते हैं, वहां पे या आप नॉर्मली ऑनलाइन टीडीएस पेमेंट ऐसे करके सर्च करोगे तो इनकम टैक्स का पोर्टल आता है ऊपर ही ऊपर, उस पे जाओगे, उस पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पेमेंट सेक्शन के अंदर देखना दोस्तों, यहाँ पे 281 का चालान मिलेगा, 280 का भी मिलेगा और 281 का भी मिलेगा। 281 का होता है दोस्तों टीडीएस का चालान, उस पे क्लिक करेंगे, पूरे डेटा को भरेंगे, वो हमारा 10 नंबर मांगेगा, ई असेसमेंट ईयर मांगेगा, फाइनेंशियल ईयर मांगेगा, और कितना हमें टीडीएस जमा कराना है, कौन सी सेक्शन में जमा कराना है, वो पूरी डिटेल मांगेगा और हम पे कर देंगे, ठीक है। एंड अब आगे पढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों, अब आपने ऊपर तो क्या किया, सरकार को टीडीएस का चालान जमा कर किया था 281 के अंदर, अब उसकी एक रिटर्न भी बनती है दोस्तों, टीडीएस की रिटर्न बनती है, जो कि टीडीएस की रिटर्न हमें सबमिट करानी होती है, वो भी गवर्नमेंट को ही जाती है। तो क्या, हाउ एंड वेन टू फाइल रिटर्न, सो दोस्तों अब बात करते हैं कैसे और कब रिटर्न फाइल करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कब और कैसे। सो दोस्तों जो रिटर्न, थोड़ा सा पहले रिटर्न के बारे में बता दूं मैं आपको, रिटर्न मतलब जब हम क्या करते हैं दोस्तों, टीडीएस काटते हैं, टीडीएस काट के हम चालान भर देते हैं गवर्नमेंट की साइट पे जाके, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि गवर्नमेंट की साइट पे जाने के बाद आपने चालान भर दिया, अब क्या होता है टीडीएस रिटर्न भरी जाती है, चालान आपने भर दिया, अब उसका अलग से एक रिटर्न और भरी जाती है, और जो रिटर्न होती है ना दोस्तों वो 3-3 महीनों से भरी जाती है, जैसे अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च, ठीक है। तो अप्रैल में जून की जो रिटर्न भरी जाएगी ना दोस्तों वो हर 3 महीने के आने वाले नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट को भरी जाती है, जैसे 31, 30 जो भी आता है, ठीक है। जैसे अप्रैल में जून का अगला महीना कौन सा होता है, जुलाई, जुलाई को कौन सी जुलाई को, 31 जुलाई, फिर जुलाई अगस्त सितंबर की कब भरी जाएगी, सितंबर के बाद कौन सा महीना आता, अक्टूबर, अक्टूबर की 31 को, ठीक है। तो रिटर्न भरी जाती है। अब हम आगे चलते हैं, ये तो रिटर्न भरी जाती है, अब कौन कौन सी रिटर्न होती है, रिटर्न के नाम क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, हाउ एंड वेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न। सो दोस्तों देखते हैं हम, मैंने बताया आपको टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली भरी जाती है ना, अब कौन कौन सी रिटर्न भरी जाती है दोस्तों, हम क्या क्या किस किस पे टीडीएस काटते हैं, पहले तो ये देखिए, टीडीएस सैलरी पे काटते हैं और अदर देन सैलरी पे, पहला तो सैलरी हो गया और फिर अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी मतलब जो भी आ जाता, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, डिविडेंड, जो भी पे करते हो सर्विस है ना, वो सब पे टीडीएस काटोगे, ठीक है, और उसको जमा कराओगे, उसकी रिटर्न भरोगे। तो सबसे पहली सैलरी की रिटर्न कौन सी जाती है, तो सैलरी की रिटर्न होती है दोस्तों उसे हम बोलते हैं 24Q, ठीक है, 24Q बोलते हैं उसे, ठीक है। फॉर्म 24Q भरा जाता है टीडीएस ऑन सैलरी के लिए है ना, टीडीएस ऑल पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट सैलरी। अब दोस्तों जैसे ऐसा भी होता है,
कि हम काफी बार क्या करते हैं, सर्विस हम बाहर से ले लेते हैं, बाहर के पर्सन यानी नॉन रेजिडेंट से ले लेते हैं, तो उसकी टीडीएस की रिटर्न कौन सी जाती है उसकी। हम जैसे मान लो, तो किसी पर्सन को आपने रेंट पे किया बाहर के पर्सन को, तो आप उस पर टीडीएस कितना काटोगे? तो दोस्तों उसको टीडीएस सेक्शन 195 का में काटते हैं उसका टीडीएस, ठीक है। और किस फॉरम में जमा कराते हैं रिटर्न, उसकी 27Q में जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म नंबर 26QB का, जैसे टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अब सेल ऑफ प्रॉपर्टी करते हो, ठीक है, तो उसपे क्या होता है मैं बताता हूं दोस्तों क्या होता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी करते हो उसपे टीडीएस काटते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पेमेंट करने वाला, जो भी पेमेंट करने वाला होता है ना दोस्तों, पेमेंट कौन करेगा? सेलर करेगा, सॉरी जो खरीद रहा है वो करेगा, मतलब पेमेंट, ठीक है। तो क्या करते हैं उसमें टीडीएस काटते हैं दोस्तों। टीडीएस काटोगे और फिर जमा कराओगे, वो 26QB के अंदर जमा कराया जाता है सेल के ऊपर, प्रॉपर्टी सेल करते हो उसके ऊपर, ठीक है। और QC ये होता है हमारा रेंट। रेंट कौन सा दोस्तों? नॉर्मली रेंट किस में जाता है? 26Q में जाता है, ठीक है। आपकी जो मेन रिटर्न होती है ना दोस्तों, मैं बताऊं, दो ही होती है, एक तो होती है 24Q, एक होती है 26Q। 24Q कौन सी होती है दोस्तों? जो आपकी टीडीएस ऑन सैलरी है, और सैलरी को छोड़कर जितना भी आप टीडीएस काटते हो वो सारा का सारा 26Q के अंदर जाता है, और नॉन रेजिडेंट का 27Q, यही तीन काम आती है ज्यादातर, ठीक है। अब बात करते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट। दोस्तों आपने टीडीएस तो काट लिया किसी का, है ना, अब सामने वाली पार्टी को कैसे पता चलेगा कि आपने उसी का टीडीएस काट के जमा भी कराया है कि नहीं कराया? मान लो आपने तो 1,000 रुपये काट लिए और वो अपनी जेब में रख लिए और जमा ही नहीं कराया, तो फिर उसको कैसे पता चले? तो उसके लिए दोस्तों, जो भी पर्सन टीडीएस काटता है वो क्या करता है, जिसका हमने काटा है, जैसे वो रेंट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, रेंट किसी को पे कर रहे हैं, हमने उसका टीडीएस काट लिया। अब उस पार्टी को हमें क्या करना है दोस्तों, एक फॉर्म 16 होता है, एक होता है फॉर्म 16A, ठीक है, वो हमें देना पड़ता है, ठीक है। फॉर्म 16A क्या होता है? अदर देन सैलरी होता है दोस्तों। जैसे मान लो रेंट पे काटा, रेंट पे काटने के बाद आपने रिटर्न भर दी, अब क्या करती है गवर्नमेंट, आपको एक फॉर्म 16 जनरेट करके देती है ना, गवर्नमेंट की साइट से, ट्रेसेस से हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां से ट्रेसेस पे जाएंगे, और ट्रेसेस पे जाके वहां से हम फॉर्म 16 डाउनलोड करेंगे और उस पार्टी को सेंड कर देंगे बाय मेल कि हमने आपका टीडीएस काटा और इतना जमा करा दिया, ये लीजिए उसका सर्टिफिकेट। तो वो होता है ऐसे सैलरी पे होता है। जैसे क्या करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपका भी टीडीएस कटता है ना, तो क्या वो कंपनी वाले आपको लास्ट में क्या करते हैं, ईयर एंड क्या देते हैं, एक फॉर्म 16 देते हैं जिसे हम हमारी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो वो भी एक सर्टिफिकेट हो गया। अब देखो इसकी डेट क्या क्या होती है, जो फॉर्म 16 होता है ना वो आपको सामने वाली पार्टी को 31 मई तक देना ही होता है दोस्तों, और अदर देन जितने भी है वो 15 दिन के भीतर भीतर देने होते हैं सामने वाली पार्टी को, ठीक है। तो टीडीएस ऑन सैलरी हो गया फॉर्म 16 16A के अंदर आ गया अदर देन सैलरी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो फॉर्म 16B दोगे, और रेंट से रिलेटेड है तो फॉर्म 16C दोगे, ठीक है। ये आपका वो वाला रेंट नहीं है, ये रेंट होता है दोस्तों इंडिविजुअल के केस में होता है दोस्तों, ये आपकी कंपनी का जो टीडीएस काटती है वो वाला नहीं है ये, ठीक है। अब बात करते हैं टीडीएस क्रेडिट इन फॉर्म 26AS। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने क्या शुरू में क्या बोला था आपको कि दो प्रकार के टीडीएस हो, एक तो हम काटते हैं एक हमारा कटता है, क्योंकि दोस्तों जैसे मान लो पहले तो हम क्या कर रहे थे, पहले वाले एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे थे, हमने किसी से रेंट पे बंगलो लिया हुआ था या दुकान ली हुई थी उसका रेंट पे कर रहे थे, पर मान लो एक हमारे पास प्रॉपर्टी है दोस्तों, है ना, हम भी उसे रेंट पे देते हैं, हमें रेंट आता है, तो क्या सामने वाला हम पे टीडीएस नहीं काटेगा? काटेगा। तो वो टीडीएस का क्या होता है दोस्तों, है ना, वो दोस्तों क्या होता है, फॉर्म 26AS एक जनरेट होता है। जैसे हमारा किसी ने टीडीएस काटा तो हमारे पैन के अंदर गवर्नमेंट की साइट पे हम जाते हैं, हम इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल उस पे लॉग इन करते हैं, तो हमें वहां से एक फॉर्म 26AS क्या होता है जनरेट करती है गवर्नमेंट ऑटोमेटेड अपने पोर्टल से,
और उसके अंदर जितना भी हमारा टीडीएस काटा हुआ है कोई भी सेक्शन पे, तो वो क्या हो करता है उसी के अंदर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उसे हम क्या बोल सकते हैं, टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी टीडीएस के बारे में। अब बात करते हैं हम सेक्शन वाइज कौन कौन से किस किस में कितना कितना टीडीएस कटता है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले आप एक सेकेंड, हाँ ठीक है दोस्तों एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पेमेंट ऑन सैलरी, ठीक है। पेमेंट ऑन सैलरी, आप मान लो सैलरीड पर्सन को पेमेंट करते हो, अब उसका टीडीएस काटोगे तो कौन सी सेक्शन के अंदर काटते हैं उसका टीडीएस आपको दोस्तों, ये सेक्शन और कितने पे टीडीएस काटना वो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 192 के अंदर सैलरी का टीडीएस कटता है, ठीक है। और किस पे कटता है, स्लेब रेट पे कटता है, ठीक है। तो अब देखो मैं बताता हूं, जैसे स्लेब रेट का मतलब दोस्तों समझ गए, नहीं समझे तो मैं बताता हूं दोस्तों क्या था। हमारी जो हमें एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो हमें सरकार ने बोला हुआ कि तुम्हारी यदि 2.5 लाख रुपए तक इनकम है तब तो तुम्हारी एग्जेम्प्ट है, जो कि आज के टाइम में आज अभी 5 लाख बढ़ा के करती है। तो किसी पर्सन को आप सैलरी पे करते और उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है तो उसका टीडीएस नहीं काटोगे, और यदि 5 लाख से ऊपर है तो उसका टीडीएस आप काटोगे, ठीक है। तो ये तो हो गई स्लेब रेट, ठीक है। अब मान लो हम टीडीएस कैसे काटते हैं, हमें कोई पर्सन पैन कार्ड देगा तभी तो हम उसका टीडीएस काटेंगे, तो पैन कार्ड देता है जब तो स्लेब रेट के अनुसार काट देंगे, और यदि पैन कार्ड नहीं देता है, ठीक है नहीं देता है, तो उसका हम 30% टीडीएस काटेंगे सैलरी के केस में। और अदर केसेस में सैलरी को छोड़कर जितने भी लोगों का टीडीएस काटना है और उन्होंने हमें पैन कार्ड नहीं दिया है तो हम 20% टीडीएस काट के जमा करवाते हैं। अब बात करते हैं, मैं मेन मेन सेक्शन बताता हूं दोस्तों, ये नॉर्मल ये सेक्शन आप नहीं काम आती, जैसे पेमेंट पीएफ, ये कहां पे काम आता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना पीएफ का, जो पीएफ देते हैं उनका, उनपे क्या होता है 50,000 से ऊपर यदि किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हो पीएफ का तो उसका 10% टीडीएस काटते हैं, और पैन कार्ड उसने नहीं दिया हमें तो उसका 20%। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बाय कंपनी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। ये हो गया 193 के अंदर, ठीक है। यदि आप किसी को इंटरेस्ट पे करते हो ऑन सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, तो और 10,000 से ऊपर पे करते हो, 10,000 नहीं 10,000 से ऊपर पे करते हो तो उसका 10% टीडीएस काटोगे, और उसने पैन कार्ड नहीं दिया तो उसका 20% काटोगे, ठीक है। डिविडेंड देते हो आप किसी को, कंपनी आपकी है ना, उसका सेक्शन कौन सी है, 194 सेक्शन के अंदर टीडीएस काटोगे 2500 रुपए से, जो कि आज बढ़ाकर 5000 कर दी है, 2500 नहीं आएगी दोस्तों यहाँ पे 5000 है, ठीक है। तो 5000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हो तो उसका 10% टीडीएस काटोगे, और उसने पैन नहीं दिया है तो 20% काटोगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक, यदि बैंक में काम करते हो आप तो कितना टीडीएस काटोगे, 194A के अंदर काटते हैं सेक्शन है ना, और अदर में भी है ना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अदर, जैसे मान लो आप आपकी कंपनी को डायरेक्टर ने लोन दिया है या कोई भी पर्सन लोन देता है आपको, ठीक है, तो उसको आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, लोन वगैरह पे, तो उसका कितना टीडीएस काटोगे, 5000 से ज्यादा पे कर रहे हो तब 10% टीडीएस काटोगे उसके, ठीक है। और अदर पे यदि वो पैन कार्ड नहीं देता है तो 20%, और इसमें क्या हो गया, इंटरेस्ट बैंक काटता है तो वो 40 और 50 की स्लेब लगा के काटता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ प्राइजेस फ्रॉम विनिंग लॉटरी, जैसे आपकी कंपनी लॉटरी का काम करती है और किसी को लॉटरी को आपको पेमेंट करना है तो 30% टीडीएस काटते हैं उसपे, ठीक है, और सेक्शन 194B के अंदर काटते हैं। यदि आपकी कंपनी हॉर्स रेसेस कराती है और यदि आप हॉर्स रेसेस के जीतने वाले को पैसा पेमेंट करते हो तो 194B के अंदर टीडीएस काटोगे, 10,000 से ऊपर पेमेंट करने पर ही टीडीएस काटोगे और 30% काटोगे, यदि पेन नहीं दिया है तो भी 30% ही काटोगे, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर की, ठीक है। तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों क्या होता है, हमें मेन मेन सेक्शन याद रखनी है दोस्तों नॉर्मली, एक तो 194A याद रख लो जो इंटरेस्ट की है, दूसरी हमारी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर की होती है ना, ये भी याद रखो, 194C के अंदर उसका टीडीएस काटते हैं हम, है ना। तो दोस्तों पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर मतलब दोस्तों जैसे मान लो किसी से आपके ऑफिस के अंदर 10 AC लगी है, ठीक है,
अब हर महीने की महीने उसकी रिपेयरिंग करवानी होती है ना। अब क्या किया आपने, किसी पर्सन से बात कर ली, कंपनी से बात कर ली या किसी इंडिविजुअल से बात कर ली कि तू हमारी हर महीने एसी की रिपेयरिंग करेगा, हम तुम्हें हर महीने का 1 लाख रुपए देंगे, है ना। तो ठीक है, तो वो क्या हो गया दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो हमारी एसी रिपेयर करेगा, हम उसको पैसा देंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर किसी भी चीज में हो सकता है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर पे कितना टीडीएस काटोगे, टीडीएस कितना कटता है, यदि वो पर्सन है, इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तब तो 1%, और इंडिविजुअल को छोड़कर, एचयूएफ को छोड़कर, जितने भी है पार्टनरशिप फॉर्म दे रही है एसी का काम सही करने का, या पार्टनरशिप फॉर्म सही करती है, कंपनी सही करके जाती है ना, तो उनका कितना काटोगे, 2%। तो मैं नॉर्मली कैसे याद रखना है, छोटा आदमी, आदमी क्या होता है, छोटा होता है, तो उसका 1%, कंपनी क्या होती है, बड़ी होती है, तो उसका 2%। और यदि इन दोनों ने अपना पैन कार्ड नहीं दिया तो हम इन दोनों का 20% टीडीएस काटेंगे। और अब कब काटेंगे दोस्तों टीडीएस, कब काटेंगे, यदि वो कॉन्ट्रैक्टर हमें 31,000 यानी 30,000 से ऊपर का बिल बना के देता, जैसे 30,000 100 रुपए का बिल बना दिया, तो हम क्या करेंगे उस पर टीडीएस काटेंगे 30,100 पे, कितना, 1% या 2% जो भी है। और यदि एग्रीगेट में 1 लाख, जैसे मान लो उसने पूरे साल के अंदर, है ना, हमें कितने कितने 10-10 हजार रुपए के बिल दिए, अब उसका 30,000 से तो ऊपर हो नहीं रहा है, एक साथ पेमेंट, एक साथ मतलब बिल बना के नहीं दे रहा वो 30,000 का हमें, ठीक है, तो वो 10-10 हजार का देता है हर महीने, हमारा इतनी सर्विस लेते हैं। तो अब मान लो मैंने अप्रैल से चालू करते हैं, अप्रैल से लेकर अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन जनवरी तक उसने हमें क्या दिया, 10-10 हजार के बिल दिए, तो जनवरी तक तो उसका कितना हुआ, 1 लाख रुपए का पेमेंट हुआ। पर ये क्या कह रहा है कि 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, आपका पेमेंट। अगले महीने हम फेब को उसने 10,000 का बिल दिया, अब कितना हो गया उसका, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट 1,10,000 का हो गया, है ना, बिल उसका हमने 1,10,000 बुक कर लिया, तो 1,10,000 बुक कर लिया, तो अब हम 1,10,000 पूरे के ऊपर टीडीएस काटेंगे उसका। मान लो जो इंडिविजुअल है तो उसका 1% काटेंगे और कंपनी है तो दो, तो मान लो कंपनी है तो 2% काटेंगे, यानी कितने हो गए 2,200 रुपए, 1,10,000 पे कितने होते हैं 2%, 2,200। अब उसका 10,000 का हमें इस महीने का फरवरी में पेमेंट करना था, तो 2,200 काट लेंगे, 10,000 में से 2,200 काटेंगे तो कितना देंगे, 8,800 रुपए उसे पेमेंट कर देंगे, और 2,200 हम सरकार को जमा करा देंगे उसके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। वैसे ही पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर होता है, उसका भी 194C के अंदर ही कटता है टीडीएस, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ ट्रांसफर नोट, जो 44E, ये सेक्शन छोड़ दो दोस्तों, ठीक है, इतने ये तुम्हारे काम नहीं आएगी ये, ठीक है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस कमीशन देते हो तुम, है ना, एजेंट को, तो 194D के अंदर काटोगे 15,000 रुपए से ऊपर देने पर 5% कमीशन काटोगे, 5% कमीशन पे टीडीएस काटोगे, और ऐसे कंपनी है तो उसका 10 और पेन नहीं दिया तो उसका 20, ठीक है। पेमेंट इन रेस्पेक्ट लाइफ इंश्योरेंस, ये भी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी काटती है, 1 लाख से ऊपर होने पर 1%, 1%, और ऐसे करके, ठीक है, ये छोड़ दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है दोस्तों। मैं जो मेन सेक्शन होती है ना 4-5, वही ज्यादा काम आती है हर कंपनी में, मैं वही बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप रोक के पढ़ सकते हो किस पे कितना टीडीएस कटेगा, कौन से सेक्शन में कटेगा, ये भी नहीं काम का। लॉटरी पेमेंट, यस ये काम आती है दोस्तों, एक कमीशन। जैसे क्या होता है दोस्तों, हमारी कंपनी क्या करती है, सेल परचेज का काम करती है, ठीक है, और सेल करती है जैसे कपड़ों की सेल करती है। अब हमारे स्टोर में काम करते हैं पर्सन, हमने क्या बोला कि तू हमें इस महीने के अंदर 10 लाख से ऊपर की सेल करके देगा तो हम तुझे टर्नओवर का 1% कमीशन देंगे। मान लो उसका कमीशन 16,000 रुपए बनता है, ठीक है, तो 16,000 रुपए से ऊपर होते ही उसका टीडीएस कितना काटोगे, 5%, है ना, इंडिविजुअल का, और कंपनी करके दे रही है तो उसका 5%, ठीक है, ऐसे करके 20% उस पे अदर देन, तो मतलब पेन नहीं देने पर 20% काटेंगे, अदरवाइज 5% काटते हैं, जो भी कमीशन पे करते हो, कमीशन या ब्रोकरेज, कोई भी कमीशन ब्रोकरेज हो गई ना, 15,000 से ऊपर है पे कर रहे हो 15,000 से ऊपर, तो टीडीएस काट लो उसका, ठीक है, 5% टीडीएस काट लो। अब बात करते हैं रेंट की दोस्तों, रेंट 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 ये भी मेन सेक्शन है, ये हर कंपनी में काम आती है, मैं वही वही बता रहा हूं आपको, ठीक है। रेंट
जैसे मान लो पेमेंट ऑफ रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, है ना। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसे आपने किसी से लैंड उधार ली, रेंट पे लेते हो, है ना, उसका किराया पे करते हो, मैंने पहले ही बताया था, पूरे साल में 2,40,000 रुपए से यदि आपका पेमेंट ज्यादा बन रहा है तो उस पर्सन का टीडीएस हर महीने काट लो। जैसे उसको 3,00,000 करनी है पूरे साल के पे, आपको तो पता है रेंट हमारा फिक्स होता है 50,000 रुपए, 30,000 रुपए हर महीने जाएगा, तो पूरे साल का हमें पता चल गया कि 3,60,000 होता है। अब वो टीडीएस उसका डिडक्ट होगा, तो हर महीने 30,000 का 10% है, उसका टीडीएस काट लो, 3,000 रुपए काट के जमा करा दो। और एक चीज और दोस्तों, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, टीडीएस कभी भी टैक्स कभी टैक्स पे नहीं लगता दोस्तों, टैक्स कभी टैक्स पे नहीं लगता। मेरे कहने का मतलब मैं बताता हूं दोस्तों, सामने वाली पार्टी हमें 30,000 रुपए का रेंट का बिल देगी, अब उस पे मान लो 18% वो जीएसटी भी लगा के देती है, तो कितना होता है 30,000 का 18% निकाले हम, चलो 10% मान लो, 10% जीएसटी लगा के देती है, इजी समझने के लिए 10% जीएसटी, जबकि 18 होता है दोस्तों जीएसटी, हम 10 मान दे एक बार, तो 30,000 का 10% कितना हो गया 3,300, है ना, 3,000, तो वो कितना हो गया टोटल बिल हमें कितना पे करना है उसे, 33,000 रुपए बिल पे करना है, 30,000 रेंट का और 3,000 जीएसटी का उसे देना। पर हम जो टीडीएस काटते हैं ना दोस्तों, वो ओनली रेंट पे ही काटते हैं, ना कि जीएसटी पे, कभी टैक्स पे टैक्स नहीं कटता दोस्तों। तो क्या हो गया, हम टीडीएस किस पे काटेंगे, 30,000 पे काटेंगे और बाकी उसे पेमेंट कर देंगे, तो 30,000 का 10% कितना होता है 3,000, और टोटल उसे पे कितना करना था 30,000 रेंट का, 3,000 जीएसटी का, तो 33,000 में से 3,000 उसका टीडीएस का घटा दो, तो हम उसे कितना पे करेंगे 30,000 उसे पे कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेमेंट ऑन रेंट प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट, उसका भी 194I के अंदर ही कटता है टीडीएस, वही 240 पे, इसमें 2% कटता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई प्लांट है, कोई मशीन दी है, आप रेंट पे लेते हो और उसको पैसा पे कर रहे हो, तो उसका 240 से पे कर रहे हो रेंट मशीन का, तो वही 2% टीडीएस काटोगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं ये भी काम की सेक्शन है, पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफरेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो दोस्तों आपने एसेट्स खरीदी, ठीक है, जैसे बिल्डिंग खरीदते हो, ठीक है, आपने, आप इंडिविजुअल हो और बिल्डिंग खरीदते हो, नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, अभी कंपनी वगैरह सबको छोड़ दो, नॉर्मल की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक बार मान लो 50,00,000 से ऊपर की 51,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी आपने, ठीक है, तो आपने क्या करोगे, आप जो बेच रहे हैं उसको पेमेंट करोगे, ठीक है, आप परचेजर हो, खरीदने वाले हो, आप पेमेंट करोगे किसको, जो बेच रहा है उसको, ठीक है। अब क्या करोगे दोस्तों, अब आप उस पर टीडीएस काटोगे, 1% टीडीएस काटोगे और सरकार को जमा करा दोगे 51,00,000 पे, ठीक है ना। ऐसे ही ये होता है, रेंट पेबल बाई इंडिविजुअल नॉट कवर्ड 194। मैं बता देता हूं दोस्तों ये क्या होता है, जैसे मान लो आप इंडिविजुअल हो, है ना, और आप 194I के अंदर कवर नहीं होते, मतलब सर कि आपकी पिछले साल ऑडिट नहीं हुई है, ठीक है, और आपको टैक्स नहीं काटना है ना, आप इंडिविजुअल पर्सन हो, आप नॉर्मल भी इंडिविजुअल पर्सन हो दोस्तों, नॉर्मल भी, और आपने किसी को 50,000 से ज्यादा पर मंथ रेंट दिया है, किसी को भी दिया है ना, तो उसका 5% टीडीएस काटोगे दोस्तों, और उसने पैन नहीं दिया है तो उसका 20% टीडीएस काटोगे। और ये दोस्तों एक ये सेक्शन बहुत मेन है, मोस्ट है, कंपनी जब भी आप अकाउंटेंट बनोगे तो ये मेन सेक्शन है 194G। प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक, जैसे कि मान लो हमारी कंपनी है वो चार्टेड अकाउंटेंट से सर्विस लेती है, जीएसटी की हम किसी से रिटर्न भरवाते हैं, उसको कंसल्टेंसी लेते हैं हम जीएसटी के बारे में पूछने के लिए, पीएफ की रिटर्न किसी से बाहर वाले से भरवाते हैं, ईएसआई की रिटर्न उनको हम कंसल्टेंसी पे करते हैं, यदि हम उसको 30,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीगेट में हो पूरे साल का 30,000 हो, चाहे एक साथ 30,000 से ऊपर हो, है ना, तो हम उसका टीडीएस काटेंगे। जैसे मान लो हर महीने हम किसी को कंसल्टेंसी पे करते हैं 5,000 रुपए पे करते हैं, तो 6 महीने तक तो 30,000 है, तो 7वें महीने में 35,000 हो गए, तो 35,000 का हम 10% काटेंगे इस बार, तो 3,500 रुपए टीडीएस काटेंगे, या एक साथ उसका बिल आया 35,000 का, तो भी हम 10% टीडीएस काट के जमा कराएंगे, ठीक है।
अब ये पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फी टू कॉल सेंटर, कॉल सेंटर वगैरह को ये देते हो तो उसकी भी 2% काटते हैं उस पर, ठीक है। ये इतना नहीं है, ये भी छोड़ दो। तो ये देख लो कौन कौन सी सेक्शन हो गई मेन। एक तो ये 194 जी हो गई आपकी, है ना, प्रोफेशनल की। दूसरी हमारी कॉन्ट्रेक्टर की होती है ना। तीसरी हमारी रेंट वाली होती है ना। और चौथी हमारी कमीशन की होती है ये वाली। पांचवी हमारी सैलरी की होती है, ठीक है, ये सैलरी की होती है, वो ऊपर ही पर है दोस्तों, सॉरी। ये 4-5 सेक्शन हमारी काम की होती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों कि टीडीएस कैसे करता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भी बताएं, वीडियो अच्छा ना लगा हो तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, डिसलाइक नहीं करें दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम आई, हम उसको समाधान करेंगे। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल लर्निंग एचीव पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।